हेलो मेरे प्यारे बच्चों एंड माय डियर फ्रेंड्स तो आज मैं आपके सामने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आई है ट्वेंटी नाइन्थ जुलाई 2020 को कल ही जो रिलीज़ हुई है वो डिस्कस करने वाली हूँ और ये जो पॉलिसी है वो 34 फोर ईयर्स के बाद अब आई है सोच सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे सारे जो आने वाली हमारी यूथ है बच्चों के लिए पेरेंट्स के लिए और 130 करोड़ जनता को बहुत बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाली है बहुत ही ग्रेट चेंजेस आ रहे हैं और वो क्या हैं सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ जो हमारे जैसे कि जब मैं ट्वेल्थ में थी तो मुझे ना फिज़िक्स के साथ बायो पढ़ना पड़ा था दो मुझे पता चल गया था एलेवेंथ में मुझे बायो में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो भी मुझे पढ़ना पड़ा था क्योंकि कोई और चॉइस ही नहीं थी दो पता था इंजीनियरिंग करनी है और इंजीनियरिंग करी भी लेकिन बायो पढ़नी पड़ी तो ऐसा जो ये फोर्सफुल जो हमने किया पहले हम जैसे लोगों ने और बहुत सब ने वो अब नहीं होगा हम अपनी मर्जी से अपनी चॉइस से सब्जेक्ट्स चूज कर पाएंगे सपोज आपको फिजिक्स पढ़ना ही है आपको पता है आपको इंजीनियरिंग करनी है और आपका इंटरेस्ट अकाउंट्स में भी है हो सकता है आप अपने पापा का थोड़ा बिजनेस में भी हाथ बटा लें तो आप अकाउंट्स भी पढ़ सकते हैं मीन्स कोई आर्ट्स कोई कॉमर्स साइंस जैसी स्ट्रीम्स अलग अलग नहीं होने वाली हैं है ना बहुत ही बड़ा ग्रेट सुनने में ऐसा लग रहा है कि कितने सालों से हम ये चाह रहे थे और अब जाके ऐसा हुआ तो ये जो पॉलिसी आई है इसको बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया एक्चुअली 2014 में जो इलेक्शंस हुए थे ना तब ये मैनिफेस्टो में था कि इसमें चेंज आएगा और वो हो गया है तो बहुत ही बड़ा दिन था कल रफाल भी आ गए थे और कल ये पॉलिसी भी आ गई है तो इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब मैं आपको बताती हूँ आपको थोड़ा आइडिया तो लग ही चुका होगा एक्चुअली एक और चीज़ मैं बताती हूँ इसमें अभी वोकेशनल कोर्सेज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में आ गए हैं देखिए अब अब शुरू करते हैं सबसे पहले तो क्या जो हमारा अभी तक टेन प्लस टू का सिस्टम था कौन सा सिस्टम था टेन प्लस टू अब वो चेंज हो गया है अब हो गया है फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर ये सिस्टम हो गया है मतलब क्या अभी तक क्या था फर्स्ट टू टेन एक जैसे पेस पे चल रहे थे एनसीआर फॉलो कर रहे थे वही रेटोफाई सिस्टम था के एग्जाम्स दो कोई एप्लीकेशन बेस्ड पेपर नहीं होते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अब ज्यादा जो फोकस है वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे होगा थियरटिकल uh, पे कम हो जाएगा कोर्स भी कम हो जाएगा अब इसको समझते हैं ये फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर क्या है जो फाइव है दिस इज़ रिगार्डिंग योर प्री स्कूल मतलब तीन साल तक तो पेरेंट्स uh, को गाइडलाइंस मिलेंगी कि हाँ आपको जो सिखाना है आप अपने तरीके से सिखा सकते हैं और कुछ गाइडलाइंस दी जाएंगी तो पेरेंट्स ये फॉलो कर सकते हैं और फिर बाकी के जो पाँच साल होंगे उसके बाद उसमें आपका प्री नर्सरी नर्सरी के जी एंड फर्स्ट और सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड इन पाँच सालों में ना बेसिकली कम्युनिकेशन पे जोर दिया जाएगा कि बच्चा बात कर सके बच्चे को बच्चा थोड़ा सा रीड कर पाए और बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाएगा और उसको लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज लाने की यहाँ बहुत ज़्यादा वो करी गई है मतलब फोकस किया गया है कि बच्चे को जो लोकल लैंग्वेज है वो समझ आए कई बच्चों को ऐसा होता है जैसे कि महाराष्ट्र में भी मैं देखती हूँ बच्चों को मराठी नहीं आती है राइट right? तो अब से ये है कि रीजनल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा और इंग्लिश एक ऑप्शनल लैंग्वेज हो जाएगा तो ये फाइव तक ऐसा है उसके बाद अगर हम प्लस थ्री पे जाएं मींस थर्ड क्लास फोर्थ क्लास एंड फिफ्थ क्लास वो प्रिपरेटरी क्लासेस होंगी बच्चे को थोड़े से फंडामेंटल सिखा दिए जाएंगे कि वो बुक रीड कर पाए खैर पहले भी ऐसा था बट अभी ये है कि उसको पूरी बुक्स जो हम देते हैं एग्ज़ाम्स लेते हैं एग्जाम्स नहीं होंगे एग्जाम होगा कब कब एग्ज़ाम होगा एक थर्ड क्लास में होगा देन फिफ्थ में होगा देन एट्थ में होगा और फिर टेंथ और ट्वेल्थ में बोर्ड्स के एग्ज़ाम होंगे ठीक है तो बाकी जो ईयर्स हैं उसमें इंटरनल असेसमेंट स्कूल वाले अपने बेसिस पे एग्ज़ाम लेंगे ठीक है इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम्स होंगे और ऐसे प्रॉपर लिखने वाले एग्जाम्स शायद नहीं हों तो खैर उसकी और डिटेलिंग अभी आनी बाकी है एग्जाम्स कैसे होंगे और वो सब इंटरनल असेसमेंट कैसे होंगे बात करते हैं ये था फाइव फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ का बताया फिर बात करते हैं सिक्स में ये बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे जो सिक्स क्लास है हम सोचते हैं सिक्स क्लास बहुत छोटी क्लास है लेकिन उस क्लास में कोडिंग इंट्रोड्यूस हो जाएगी और बहुत अच्छा है एक्चुअली जो छोटे बच्चे होते हैं ना बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं आई हैव सीन बींग टीचर तो जितनी जल्दी हम उनको नई चीज़ें सिखा दें जैसे कि हमने देखा है कोडिंग हम कॉलेज में जाके सीखते हैं विन कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैंने भी इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन उसमें भी कोडिंग आती थी हम एकदम से चौंक जाते थे भाई ये क्या आ गया अब क्या होगा सिक्स क्लास में कोडिंग आ जाएगी तो ये बहुत अच्छा चेंज है और तो और वोकेशनल ट्रेनिंग वोकेशनल कोर्सेज आ जाएंगे वोकेशनल कोर्सेज क्या है जैसे कि आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है पढ़ाई के अलावा आपको किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है डांस में इंटरेस्ट है तो वो भी स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे एक्चुअली लेकिन अभी तक क्या होता था हम लोग पेरेंट्स क्या होते थे स्कूल की पढ़ाई स्कूल से बच्चा आया फिर उसको अलग अलग क्लासेस में डालते हैं वो भी अच्छा है लेकिन अब क्या स्कूल पे ही ये जिम्मेदारी आ रही है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पेरेंट्स का ये काम भी कम हो जाएगा नहीं है कितना इंटरेस्टिंग है सोच के देखो सिक्स क्लास का बच्चा कोडिंग कर रहा है मतलब सोचने में ही ऐसा लग रहा है वाओ है ना वॉट अ ग्रेट थिंग तो ये राइट ये ग्रेट चीज़ एक है उसके बाद सेवेंथ एट ये सेम चलेगा सिक्स सेवेंथ एट में बेसिकली अब एन सी आर टी मीन्स तुम्हारे जो प्रॉपर बुक्स हैं थोड़ी इंट्रोड्यूस कराएंगे हाँ सिक्स सेवन्थ एट में सबसे अच्छी बात ये होगी बच्चों को ना हर सब्जेक्ट मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड यू नो हिस्ट्री सिविक्स इन सबसे इंट्रोड्यूस करा देंगे समझ आ जाएगा कि हर सब्जेक्ट में उसको कितना इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है ठीक है सिक्स सेवन्थ एट में ये बच्चों को समझ आने लगेगा और इवन स्कूल की टीचर्स भी ये देखेंगे कि बच्चों को ये समझ मतलब बच्चा किस में इंटरेस्ट ले रहा है हर बच्चे को ये आ, हर बच्चे की स्किल डेवलप होती रहेगी इवन इन दीज क्लासेज ओनली फिर बात करते हैं हो गया फाइव हो गया फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री हुआ फिर सीधा फोर स्टेजेस एक जैसी ही चलेंगी दैट इज नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ अब उसमें क्या होने वाला है टेंथ पहले क्या था जैसे ही हमने टेंथ जब हम क्रॉस ही कर रहे होते थे इतना बर्डन होता था यार कौन सी स्ट्रीम लेनी है अतः पता कुछ नहीं होता था कॉमर्स में क्या होता है अकाउंट्स क्या होता है ये भी नहीं पता था क्योंकि पहले से कुछ पढ़ा ही नहीं है तो चूज़ करने में इतनी मुश्किल होती थी मुझे अपना टाइम भी याद है मेरे को साइंस भी लेना था मुझे अकाउंट्स में भी इंटरेस्ट था बट साइंस की तरफ बहुत इंजीनियर्स बन रहे थे तो हमने भी साइंस ले ली तो लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि सिक्स सेवन्थ एर्थ में काफ़ी बेस बना दी है और नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ में ऐसी स्ट्रीम्स ही चुननी होंगी किसी को कि हाँ भाई साइंस लेनी है आर्ट्स लेनी है या कॉमर्स लेनी है अब क्या होगा अगर आप साइंस ले रहे हैं तो आप कॉमर्स का कोई अकाउंट्स भी पढ़ सकते हो ऐसी चॉइसेस मिलेंगी जो मतलब सोचने में ही कितना अच्छा लगता है ना और आर्ट्स वाला मैथ्स पढ़ रहा है खैर अभी भी होता है ये लेकिन आर्ट्स वाला अगर इकोनॉमिक्स मैथ्स ये सब भी पढ़ रहा है तो बहुत ही ग्रेट चीज़ है और फिज़िक्स वाला म्यूज़िक पढ़ रहा है या आर्ट्स पढ़ रहा है पॉल साइंस पढ़ रहा है तो ये होगा फ्रीडम टू चूज़ सब्जेक्ट्स दैट इज़ अ ग्रेट ग्रेट थिंग इससे क्या होगा ना कि जैसे कि हम सोचते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करना या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना मैंने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी की थी तो क्या किया पहले साइंस ली फिर इंजीनियरिंग एग्जाम दिया फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की जबकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में साइंस का कुछ इतना लेन देन नहीं है वहाँ पे बैंकिंग था मतलब जब मैंने बैंक पीओ का एग्जाम दिया उसमें बैंकिंग रिलेटेड था बाकी में हिस्ट्री सिविक्स और तुम्हारी जनरल अवेयरनेस ज़्यादा थी तो साइंस कहीं ना कहीं मेरे उतने काम नहीं आई थी तो अगर हमें पहले ही पता चल जाएगा कि मुझे अगर यू या आई का एग्जाम देना है तो मैं उस हिसाब से सब्जेक्ट्स चूज़ कर लूँगी राइट और बाई चांस वो सब्जेक्ट चूज़ करके कुछ नहीं भी हो पाया तो हम मल्टी होने वाले हैं मतलब मल्टी डायमेंशनल होने वाले हैं हमारे पास एक सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट्स की नॉलेज होगी राइट तो इतने सारे लाइंस खुलने वाली हैं अब तो एम्प्लॉयमेंट जो है उसको ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी बनाई है कि एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बहुत ही बढ़ने वाले हैं आगे आने वाले सालों में तो ये था आपका नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ का के बारे में तो कोई रिजिड सिस्टम नहीं होने वाला है ये बहुत ही बहुत ही अच्छी बात है ठीक है ना और उसके बाद जो तुम्हारा बोर्ड सिस्टम है जिसको बहुत ही हवा बना के रखा हुआ है बोर्ड 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 और तो अब क्या है ना बोर्ड सिस्टम डिज़ोल्व होगा डिजोल सॉरी डिज़ोल्व नहीं कहेंगे बोर्ड सिस्टम डाइल्यूट डाइल्यूट इज द वर्ड जिसमें एक तो जो बर्डन है बच्चों पे वो कम हो रहा है बर्डन एन मीन्स जो कोर्स है उसके अंदर कुछ कमी करेंगे एग्जैक्टली exactly क्या करेंगे वो गाइडलाइंस आनी है अभी और उसके बाद उसमें आप साल में ना दो एग्जाम दे सकते हैं जैसे पहले क्या था कि फेबर मार्च के जो एग्ज़ाम्स हो गए मतलब फ़ाइनल एग्ज़ाम के बेसिस पर ही मार्क्स मिलते थे और थोड़ा सा इंटरनल असेसमेंट लाइक हंड्रेड मार्क्स है तो ट्वेंटी मार्क्स के स्कूल के मार्क्स होते थे एट्टी मार्क्स का फाइनल मार्च वाला पेपर अहमियत रखता था बाई चांस अगर उस पेपर में बच्चे की हालत ख़राब हो जाए तो मतलब तो बच्चा तो गया पूरे साल की मेहनत ज़ीरो लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अब क्या होगा बोर्ड एग्ज़ाम एक तो दो बार होने वाले हैं ठीक है दो बार मतलब कैसे अगर बाई चांस पहले एग्जाम में आपकी तबीयत खराब हो गई या आप लेट पहुंचे एग्ज़ाम देने तो पेपर छूट गया तो आपके पास सेकेंड चांस भी है जिसमें आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और फिर दोनों के मार्क्स जो बेस्ट होंगे वो कंसिडर किए जाएंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ और तो और साल में अब दो ही एग्ज़ाम होंगे जो पिछले वाले में मैंने बताया नहीं अभी साल में क्या होगा दो ही एग्जाम होंगे जब भी होने हैं एक्चुअली बोर्ड्स के लिए साल में दो एग्ज़ाम होंगे सेमेस्टर बेस्ड चलेगा जैसे कि आपका कॉलेज में होता है छः महीने छः महीने ठीक है एक वो चीज़ रही तो बोर्ड का बर्डन कम हो जाएगा है ना मैं और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपसे डिस्कस करने के तो उसके बाद हाँ थ्रू आउट द ईयर अगर हम देखें थ्रू आउट द ईयर एक तो एप्लीकेशन बेस्ड हो जाएगा जितने भी अगर हम स्कूल सिस्टम देखें तो उसमें रेट्टोफाई सिस्टम मैंने पहले भी बोला रेक्टाफिकेशन पे नहीं होगा मतलब एग्ज़ाम में पहले तो हम लोग पहले क्या अभी भी अभी जो चल ही रहा है सिस्टम उसमें हमारे पेरेंट्स प्रे करते हैं हम भगवान को हाथ जोड़ते हैं कि हम कुछ भूलें ना जितना पढ़ा है हमें याद रहे लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है पूरे साल में जो तुमने समझा जो एनालाइज़ किया एप्लीकेशंस यूज़ की उसके बेसिस पे आपको जज किया जाएगा यू you नो know? और जो पूरा रिपोर्ट कार्ड सिस्टम है वो थ्री सिक्सटी डिग्री टर्न लेने वाला है मतलब अब जो रिपोर्ट कार्ड आएंगी उसमें पता क्या होने वाला है सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट होगा सेल्फ असेसमेंट मतलब आपसे खुद जैसे आप अपना एफ बी प्रोफाइल बनाते हो कि उसमें खुद अपने आप से अपने बारे में लिखते हो वैसे ही आप अपनी रिपोर्ट कार्ड में खुद अपने बारे में लिखोगे कि आपने क्या सीखा एंड योर पियर ग्रुप पीयर ग्रुप मीन्स आपके स्टूडेंट्स सॉरी आपके फ्रेंड्स आपके बारे में बताएंगे कि आप आप में कितना चेंज आया देन टीचर्स भी बताएंगे कि आप में क्या चेंज आया तो ऐसे तीन असेसमेंट से मिलकर आपकी रिपोर्ट कार्ड बनेगी और एक सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं देखे जाएंगे सारे जितने भी आपके अलग अलग थिंकिंग स्किल एनालिटिक्स देन बोलने का तरीका लिखने का वे क्या आपने सीखा क्या आप चेंज लाए अभी तक वो सब मिलाकर आपकी रिपोर्ट कार्ड बनेगी और उस बेसिस पे आपकी हायर एजुकेशन सेट होगी मतलब आगे आप कहीं एडमिशन ले पाएंगे तो ये तो हुआ मैंने स्कूल लेवल पे बात की अब बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे क्या चेंज आया है जो ग्रेजुएशन लेवल है वो उसमें तो भाई बहुत ही बहुत ही अच्छी चेंज है उसमें क्या है कि जो हाई चार वैसे अभी ग्रेजुएशन अगर हम देखें चार साल का हो गया है थ्री प्लस फोर लिखा है वहाँ पे थ्री प्लस फोर का मतलब क्या है कि तीन साल तो रहेगा ही रहेगा लेकिन उसमें ऐड हुआ है मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट सुन में समझ आया क्या है मल्टीपल एंट्री एग्जिट पहले क्या था ना कि किसी के पास पैसों की कमी हो गई है किसी बच्चे ने छोड़ दिया है ग्रेजुएशन छोड़ना पड़ गया है या बीमार हो गया है समहाओ कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो उसकी डिग्री धरी की धरी रह जाती थी अगर एक साल बाद उसने छोड़ा तो उसे फिर से फ़र्स्ट ईयर से शुरू करना पड़ता था लेकिन अब ऐसा नहीं है अब क्या होगा सपोज़ आपने फ़र्स्ट ईयर में आपको छोड़नी पड़ी समहाओ फर्स्ट ईयर के बाद तो आप जब वापस आएंगे तो आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर पाएंगे सपोज दो साल बाद छोड़ी तो आप थर्ड ईयर से स्टार्ट कर पाएंगे है ना? क्यों ऐसा कैसे हो पा रहा है यहाँ पे आया है अकेडमिक क्रेडिट सिस्टम मतलब हर साल के आपके कुछ क्रेडिट्स होंगे क्रेडिट मतलब कुछ पॉइंट्स होंगे जो कि आपके डिजी लॉकर जैसे कि डिजिटल एक सिस्टम बना दिया, उसमें सेव हो गए सब ऑनलाइन होने वाला है तो कहीं रिटर्न का आपको ऐसा लोचा नहीं है कि आपने वो सेव नहीं करके रखा डॉक्यूमेंट ऐसा कुछ तो वो डिजी लॉकर में सब सेव हो गए आपके पॉइंट्स तो आपने एक साल अगर छोड़ा दूसरे साल में आप एडमिशन लें तो वो आपके क्रेडिट पॉइंट्स आपको पहले ही मिल जाएंगे और फिर आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो वो पॉइंट्स मिनिमम पॉइंट्स होंगे जिसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं और वो मिनिमम पॉइंट से आपको फिर जैसे अगर आपने ये भी बताती हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपने फर्स्ट ईयर के बाद सोचा रही मुझे ये जो भी मैंने चूज़ किया अच्छा नहीं लग रहा अब मुझे अब मुझे बेकरी सीखना है अब मुझे कुछ और सीखना है म्यूजिक सीखना है डांस सीखना है तो मुझे वो छोड़ना है इंजीनियरिंग डिग्री सपोज़ तो मुझे फर्स्ट ईयर के बाद सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ मैंने एक साल यहाँ डिवोट किया प्रूफ है सर्टिफिकेट देन सेकेंड ईयर में सपोज़ आपने छोड़ा तो आपको क्या मिलेगा डिप्लोमा मतलब हाँ आपने दो साल यहाँ पे स्पेंड किए वो भी दिखेगा कहीं ठीक है ना फिर थर्ड ईयर आपने छोड़ा तो आपको क्या मिलेगा बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी जो कि जॉब के लिए कंसिडर होगी मतलब जॉब के लिए अब तीन साल का के बाद जो आपको मिलेगा वो काफ़ी इनफ होने वाला है और अगर आप चार साल पूरे करते हैं एक्चुअली जो फोर्थ ईयर रखा गया ना वो रिसर्च के तौर पे रखा गया है अभी तक जो मैंने देखा जो मैंने भी इंजीनियरिंग की रिसर्च के नाम पे कुछ भी नहीं था प्रैक्टिकल नॉलेज हमको नहीं दी गई कहते हैं ना मैंने भी इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन की है तो उसमें हमें कुछ ऐसा नहीं सिखाया गया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि मैं खोल के अभी ट्यूब की तार्स निकालूँ और वो सब करूं इतना कुछ नहीं सिखाया जाता जो बुकिश लैंग्वेज है थोड़े बहुत प्रैक्टिकल्स होते थे लेकिन अब रिसर्च इन्वॉल्व हुआ है तो बच्चे को जहाँ पर लग रहा है कि उसे सीखना है वो रिसर्च कर सकता है और अगर वो फोर्थ ईयर कंप्लीट करके बाहर आता है तो उसको बैचलर्स रिसर्च डिग्री मिलेगी मतलब काउंट होगा कि उसने रिसर्च किया उस स्पेशलाइज्ड उसने कुछ काम किया है और इसके लिए ना एक एन आर भी बनाया गया एन आर एफ इज़ नेशनल रिसर्च फंड मतलब उसको रिसर्च करना है बड़े लेवल पे करना है बाहर जाके करना है तो उसको एक फंडिंग भी मिलेगी क्या क्या मतलब रिसर्च इज़ लाइक ग्रेट थिंग जो अभी तक नामो निशानी था हमारी पॉलिसी में एजुकेशन पॉलिसी में यू नो तो ये भी बहुत बहुत अच्छा चेंज है यू you नो know, कितना मज़ा आ रहा है ऐसे ग्रेट ग्रेट चीज़ें सुन के और क्या हुआ है मल्टीलिंगुअल मल्टीलिंगुअल मतलब तीन लैंग्वेजेस अभी लाई गई हैं दो तो होती हैं हिंदी इंग्लिश तीसरी एक रीजनल लैंग्वेज पे बहुत काम करने वाले हैं लोग और तो और रीजनल लैंग्वेज पे तो कर ही रहे हैं कि बच्चे को एट्थ तक के वैसे तो फिफ्थ तक बोला है कि कंपलसरी है रीजनल लैंग्वेज एट्थ तक की अभी बात चल रही है मीन स्कूल्स पे भी डिपेंड होगा कि उनके पास अवेलेबिलिटी है या वो पढ़ाना चाहते हैं या नहीं तो वो रीजनल लैंग्वेज की बात होगी ठीक है उसके बाद ये ये सुनने में बहुत अच्छा लगेगा आपको बैगलेस डेज जो अभी तक कभी नहीं था बैगलेस डेज क्या है कि दस दिन के लिए पूरे साल में आपको ये चॉइस मिलेगी कि आप कुछ भी इनफॉर्मल इंटर्नशिप मतलब आप कहीं पे भी जाएं और 10 दिन का कुछ भी आपको जो सीखना है सपोज़ आपको कारपेंट्री सीखना है या आपको सीखना है मोटर के बारे में मोटर कैसे चलती है कैसे बनती है या आपको बायो से रिलेटेड कुछ सीखना है तो वो आप सीख सकते हैं ठीक है ना तो ये चीज़ें मतलब इतनी फ्रीडम ला दी गई है पूरी एजुकेशन सिस्टम में कि बच्चे को स्किल्स वो खुद अपनी डेवलप कर सकता है सोच सकता है तो उसके बाद एक हाँ अभी तक के जो पेरेंट्स को ना ग्रे ट्वेल्थ तक तो बीत जाता था ठीक है ग्रेजुएशन पे जब आते थे बीटेक के बड़े बड़े कॉलेजेस आप देखोगे यूनिवर्सिटीज़ देखो कि बहुत महंगे कॉलेजेस होते हैं लाइक एम यूनिवर्सिटी एंड बहुत सारी सारी हैं तो उसमें ना इतनी ज़्यादा फीस होती है कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते लेकिन अब ऐसा होगा कि एक फ़ी कैप बना दिया गया उस फ़ीस के ऊपर फीस नहीं ले सकते अगर किया तो उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जा सकता है ठीक है ना तो प्राइवेट कॉलेज ज्यादा फीस नहीं रख पाएंगे तो पेरेंट्स के लिए देखो बहुत हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये और हां क्या हुआ है ना कि जो हमारे देश में इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम को भी प्रमोट किया गया है मीनस बाहर के यूनिवर्सिटीज यहां पे कॉलेजेस बना सकते हैं और हम भी बाहर कॉलेजेस बना सकते हैं मींस स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम और वहाँ के बच्चे जैसे हम लोग बाहर जाके पढ़ते हैं यहाँ से बहुत बच्चे जाते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या वहाँ हायर एजुकेशन के लिए तो वो भी यहाँ आके हमारे यहाँ पे आके एजुकेशन ले सकते हैं और उससे फिर क्या होगा इकोनॉमी में ग्रोथ होगा एंड यहाँ वाले बच्चे भी वहाँ और ज़्यादा जा पाएंगे तो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट और हायर एजुकेशन में ग्रोथ लाने पे बहुत फोकस किया गया है एक्चुअली जो अभी हमारा हायर एजुकेशन लेवल है वो कुछ 25 परसेंट है मतलब 25 परसेंट बच्चे ही हायर एजुकेशन ले पाते हैं लेकिन इस प्रोग्राम के अंडर इस पॉलिसी के अंडर ऐसा आ, सोचा गया है कि 2035 तक और 2030 थाउजेंड तक कुछ डबल रेट हो जाएगा हमारा हायर एजुकेशन में मीन्स फिफ्टी परसेंट तक हम पहुँच जाएंगे तो तो अब हमारे हायर एजुकेशन में जिसमें ट्वेंटी फाइव परसेंट ही अभी तक पहुँच पाते हैं कर पाते हैं उसको डबल करने के लिए फिफ्टी परसेंट करने के लिए इन्होंने बहुत सारी सीट्स बढ़ाई हैं अराउंड थ्री पॉइंट फाइव करोड़ मतलब बहुत ही एडवांटेज होने वाला है हम लोगों को कि बहुत सारे बच्चों को अब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी हायर एजुकेशन में जाने के लिए ठीक okay. है और हाँ सबसे अच्छी बात अगर बच्चा स्कूल से जब बाहर निकलेगा इस बार वो डल नहीं निकलने वाला अगर वो उसकी मैथ्स नहीं अच्छी तो वो हो सकता है डांस में अच्छा हो उसका डांस नहीं अच्छा तो हो सकता है वो हिस्ट्री में स्पेशलाइज़ कर लिया हो तो कुछ ना कुछ ऐसी स्किल लेकर वो बाहर निकलेगा जिससे वो आगे जाके अगर बाई चांस वो उसे जॉब नहीं मिली तो वो खुद का कुछ शुरू कर सकता है है नहीं ग्रेट थिंग मतलब सुन के इतना मज़ा आ रहा है बस ये है कि जो ये पेपर्स पे बातें लिखी हैं अगर ऐसे इम्प्लीमेंट हो जाएँ सारी की सारी तो बहुत ही अच्छा हमारा ब्राइट फ्यूचर है बच्चों का ठीक है ना और हाँ एक संस्कृत को भी इंट्रोड्यूस किया गया है संस्कृत होगा ही होगा ऐसा कहा जा रहा है और हाँ जैसे पहले बारहवीं के रिजल्ट आने पर ट्वेल्थ तो के जब रिजल्ट आते हैं तो परसेंटाइल कितनी ज्यादा जा, जाती है स्पेशली इन डेली के कॉलेजेस 99 नाइन पे फुल 97 पे फुल मतलब 90 परसेंट इतने अच्छे होते हैं वो भी आते हैं तो कुछ माने ही नहीं जाते कॉलेज में राइट लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हर कॉलेज अपना एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट लेगा जिसके बेसिस पे बच्चे का एडमिशन होगा ऐन एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको पता है नॉर्मल उसका एनालिटिक्स रीजनिंग लॉजिकल वो सब देखा जाएगा तो ट्वेल्थ के मार्क्स मिला के और उसके वो मार्क्स मिला के उसको अच्छे से एडमिशन मिल जाएगा तो बहुत ही ये मतलब ऐसे चेंजेस लाए हैं जिसकी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी है ना तो ये सब है और हाँ एक मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा एंड रट्टाफिकेशन कम बर्डन कम एंड स्किलनेस ज़्यादा मतलब स्किलफुल बनेंगे बच्चे अब तो हमारा यूथ हमारा जो ये सब है बहुत ही बहुत ही ब्राइट होने वाला है अभी हाँ एक ये भी है कि वर्चुअल लैब्स आएंगी मतलब हमारी इंडिया में ना हर कॉलेज में वैसी लैब्स नहीं हैं जो होनी चाहिए प्रैक्टिकल्स कम होते हैं या तो इक्विपमेंट्स नहीं हैं या टीचर्स होते अच्छे नहीं हैं अच्छा टीचर से याद आया टीचर्स की जो बीएड की डिग्री है वो फ़ोर इयर्स की हो जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली अगर इतने चेंजेस ला रहे हैं तो उनको भी टीचर्स को भी उसके पीछे ज़्यादा मेहनत करनी है और एक तो पॉइंट्स इतने सारे हैं बताने के लिए और तो और ना ई e लर्निंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं डिजिटल लर्निंग पे कि बच्चा को सारे लैंग्वेज में ई e लर्निंग पे ही काम हो जाए उसका मतलब हर लैंग्वेज कुछ आठ लैंग्वेजेस सिलेक्ट की गई हैं जिसपे हर कॉन्सेप्ट उस लैंग्वेज में अवेलेबल करा दिया जाएगा ठीक है तो अब ये सब है और ये सब अप्लाई कब होगा ये 2021 में ही नेक्स्ट सेशन से ही एप्लीकेबल हो जाएंगे मतलब नेक्स्ट ईयर जो बच्चे आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है और अभी तक के जो बच्चे हैं लाइक like मी और मतलब और भी वो ये सोच रहे होंगे काश हम भी होते हैं ना अभी नए तो फिर भी ये इतना अच्छा चेंज है तो लेट्स सी ऐसा ही सब अप्लाई हो जाए और होप फॉर द बेस्ट तो ये थी आज की खबर सो थैंक यू सो मच अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको पता है आपको क्या करना है अभी है ना सब्सक्राइब कर देना सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लव यू ऑल